जब आप बायोमेट्रिक देके आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टेटस कोई भी नहीं शो हो रहा, यानी आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर जब आप अपना डाटा पुट करते हैं तो वो कहते हैं सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। अब उस पे कुछ लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी एप्लीकेशन जो है वो फर्दर गई है कि नहीं, या उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि किस स्टेज पे है। तो उस पे जो है वो दो चीज़ें हैं, एक तो ये आपके ऑनलाइन पोर्टल से ट्रैक हो सकती है, यानी जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट है आप GDWF, और ईमेल लगा के वहाँ पे आप जाते हैं और अपना ट्रैक कर लेते हैं। अब इसके अलावा भी एक ऑप्शन होती है जिसमें ट्रैक योर एप्लीकेशन आपकी बायो अपॉइंटमेंट जहाँ से आप उसको लॉग इन करते हैं वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है, तो आप वहाँ पे भी अपना जो GWF और लास्ट नेम लिखते हैं तो वहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी ऑप्शन आ रही होती है। समटाइम दोनों तरफ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और समटाइम आपकी मेन पोर्टल पे शो नहीं हो रहा होता डाटा, लेकिन उस पोर्टल पे यानी उस ट्रैक लिंक पे आपकी एप्लीकेशन ट्रेस हो रही होती है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है या डिसीजन हो गया हुआ है या आप वापस आ गई हुई है, जो भी इसका स्टेटस होता है वहाँ पे आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो दोनों तरफ आपका स्टेटस नहीं शो हो रहा होता, उस पर भी ये वेबसाइट का ग्लिच होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एप्लीकेशन जब आपको डिस्पैच ईमेल आ जाती है तो इट्स मीन्स के वो आपकी चली गई है। अब आपको जैसे ही उसका रिस्पॉन्स या कोई ईमेल आएगी वो आपके वीज़ा पर कोई इफेक्ट नहीं है। एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने पूछने होंगे वो आपको पूछ लेंगे, वहाँ पर ट्रेस होती है या नहीं होती उसका इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो इस हवाले से ज़्यादा परेशान ना हुआ करें, डिस्पैच ईमेल आ जाए तो उसके बाद सुकून से बस अपना अगर कोई इंटरव्यू इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी करें, फर्दर इस हवाले से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।